दोस्तों ये एडवर्टाइज नहीं है, लेकिन आप भी अगर सैफी सिंगर से लाइव बात करना चाहते हैं तो आ जाओ यहाँ, नहीं यहाँ। सो गाइस, अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हुई है तो आपको कॉल बिल्कुल नहीं आएगा मौज एप्लीकेशन पर। ये बहुत सारे लोगों ने करी है ऐसी गलतियाँ, तो क्या है ये गलती और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, इस पर हम आते हैं सीधे टॉपिक पर। जो लोग हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें दोस्तों। और हमारे सभी पेजेस पर आप लोग जुड़ सकते हैं, जुड़ो ना चाहो तो। हम यहाँ पर बात कर रहे थे मौज एप्लीकेशन की, और मैं बताता हूँ आपको कि मौज एप्लीकेशन जब भी आप क्रिएट करो, आप ऐसे बस क्या बताऊँ। सबसे पहले आपको कुछ प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। हम आईडी क्रिएट करते हैं तो हमारे सामने कुछ ये ऑप्शंस नज़र आते हैं। अब आप अपनी आईडी कैसे क्रिएट करना चाहते हैं, फेसबुक के थ्रू करना चाहते हैं, ईमेल के थ्रू करना चाहते हैं, शेयर चैट के थ्रू करना चाहते हैं, या मोबाइल नंबर के थ्रू करना चाहते हैं। लोग गलती यही कर देते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं यहाँ मोबाइल नंबर डालूंगा, मेरे लिए ये ठीक नहीं है, मैं क्या करता हूँ फेसबुक से बना लेता हूँ, तो फेसबुक से अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि यार फेसबुक के लफड़े में मत पड़ो, मेरा ईमेल है और मेरा ईमेल एक्सेस करता हूँ, बहुत प्राइवेटली सिक्योरली होता है मेरा ईमेल, तो मैं ईमेल से बना लेता हूँ। तो ईमेल से भी बनाने वाले लोगों को मैं बता दूँ कि ईमेल से बनाते हो आप, या फेसबुक से बनाते हो आप, या शेयर चैट से बनाते हो आप, अगर इन तीनों ही माध्यम से आप अपने अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं तो आपको फ़ोन नहीं आने वाला मौज ऐप की तरफ से। अब ये फ़ोन क्यों नहीं आने वाला, देखो भाई, मौज पर जब आप कोई अकाउंट बनाते हो तो वो आपको नंबर से बनाना होता है, जस्ट बिकॉज के नंबर पर आपके नंबर रजिस्टर्ड होता है मौज के पास। जब मौज के पास रजिस्टर्ड होता है तो वो आपको कॉल करता है किसी भी चीज़ के लिए। एग्जांपल के तौर पर अभी मौज पर सिर्फ एक चीज़ का बवाल है, वो है मिंट्स मिंट्स मिंट्स। ये मिंट्स कमाने का ही लफड़ा चल रहा है और बहुत से लोग कमा भी रहे हैं, क्यों ना कमाएं, आपके अंदर टैलेंट है और उसका पैसा मिल रहा है, मौज दे रहा है, तो उसमें कोई हर्ज ही नहीं। लेकिन मौज आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके नंबर्स को देखना चाहेगा। अब मौज आपके घर को तो जानता नहीं है ना, कि इसके घर पे पहुंच जाओ, बोलो भाई साहब आपके लौंडा यहीं रहता है, वीडियो बनाता है, मुझको कुछ कहना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर सिर्फ इतना ही करना है, मौज पर जो ये नंबर होते हैं, इस नंबर से अपने अकाउंट को क्रिएट करना होता है आप सब लोगों को। जब आप अपने नंबर से क्रिएट करते हैं तो ये नंबर रजिस्टर्ड होता है आपके मौज पर, तो होता ही है कि आप अपनी प्रोफाइल इस नंबर से रजिस्टर्ड कर रहे हैं, बट वो रजिस्टर्ड नंबर मौज के पास भी इनरोल में हो जाता है, जिससे मौज आपको कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इंपॉर्टेंटली फ़ोन करके आपको इल्तिगा कर सकता है किसी भी चीज़ के लिए। मौज फॉर क्रिएटर में भी आपका मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, अगर आपके प्रोफाइल में आपका नंबर अटैच नहीं होता है तो मौज से आपको कोई कॉल नहीं आता है। तो एक बात बिल्कुल सुनिश्चित कर लें, अगर आप एज अ क्रिएटर मौज पर बनना आए हैं और क्रिएटर के साथ साथ कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो अपना मोबाइल नंबर, मौज अकाउंट मोबाइल नंबर से बनाएं, और इसके अलावा इन माध्यम से अगर बनाना चाहते हैं तो आप एक क्रिएटर के रूप पर नहीं, आप एक यूज़र के रूप में आ सकते हैं। क्योंकि यूज़र को क्या करना होता है, वीडियोस को लाइक करना, वीडियोस को देखना, शेयर करना, डाउनलोड करना, बस इतना ही रहता है। और अगर थोड़े बहुत वीडियोस बना भी लेता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने ये गलतियाँ पहले ही करी हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दें, अगर आपने मौज अकाउंट से अभी तक कोई भी कांटेक्ट नहीं करा है, या आप चाहते हो कि मौज अकाउंट आपसे कांटेक्ट करे, तो आप मोबाइल नंबर से अपना रजिस्टर्ड करें मौज अकाउंट। आई होप आप लोगों को ये नॉलेज अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपने वीडियो के माध्यम से ये सीखना है कि हमने प्रोफाइल बनाई है शेयर चैट, ईमेल, फेसबुक से, तो उसको अपने मोबाइल नंबर में कैसे अपडेट करें, अगर ये आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करता हूँ इस पर भी एक वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए बस इतने दोस्तों,